नमस्कार YouTube फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अवतार सिंह और स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो के अंदर, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो घर पर है मुर्गा कलगी के पौधे हैं जो हम कैसे उगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, मुर्गा कलगी की जो पौधा है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले जो मिट्टी है, मिट्टी के लिए आपको बता दें कि मिट्टी के अंदर आपको 50% है जो गार्डन सॉइल लेना है और 50% है जो बालू रेती है, नदी की रेत है जो कंस्ट्रक्शन में काम ली जाती है, वो रेत आप ले सकते हैं। मिश्रण बनाने के बाद आपको इस तरह से जो पॉट है उसके अंदर भर लेना है और उसके बाद में इसके अंदर आप सुपर खाद है वो मिला सकते हैं, और या फिर आप जो है इसके अंदर गोबर की खाद भी, आप 25% गोबर की खाद मिला सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिलाने के बाद हम इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा मिट्टी को दबा लेंगे ताकि इसके अंदर हवा है जो वो निकल सके। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें खाद डाल ली है, अब हम इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसको धीरे धीरे हाथों से एकदम लेवल करने के बाद हम इसको हाथ से दबा रहे हैं और अच्छी तरह से आपको दबा लेना है, एकदम प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर है जो आपको बीज छिटक देना है। तो चलिए, हम आपको पहले इसको अच्छी तरह से प्रेस करके दिखाते हैं। इस तरह से आपको इसको प्रेस कर लेना है एकदम लेवल, कि ऊँची नीची नहीं रहे, पॉट की मिट्टी है जो एकदम लेवल में रहे, प्लेन रहे। इस तरह से आपको इसको प्लेन करने के बाद अच्छी तरह से दबा लेना है, और दबाने के बाद है जो इसके ऊपर आप बीज है जो मुर्गा कलगी के बीज है जो आप अमेजन से भी खरीद सकते हैं, और अगर आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं मार्केट से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप मुर्गा कलगी के जो बीज है वो घर पर भी तैयार कर सकते हैं। घर पर के बीज कैसे तैयार किए जाते हैं ये हम आपको किसी वीडियो के अंदर बताएँगे। तो फिलहाल हम आपको बीज डाल के बताते हैं। ये हमारे पास है जो घर पर तैयार किया हुआ बीज है मुर्गा कलगी का, तो बहुत ही अच्छी वैरायटी का बीज है, इस पर बड़े बड़े फूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीज खरीदना चाहते हैं तो हम आपको इसका लिंक नीचे दे देंगे, आप वहां से जाकर हमारा जो बीज है वो खरीद सकते हैं। तो हम इसके ऊपर अभी है जो बीज वो डाल रहे हैं, तो इस तरह से आपको ये बीज है जो थोड़ा हाथ में डाल लेना है। देखो, इतना सा बीज आपको लेना है, ज़्यादा बीज नहीं डालना। अगर ज़्यादा आप बीज डालेंगे तो आपके पौधे हैं बहुत नज़दीक नीज बहुत घने हो जाएंगे, घने पौधे हैं जो आपकी जो पौधों की बढ़वार है अच्छी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसमें से भी अभी आधा ही बीज डालने वाले हैं, क्योंकि मुर्गा कलगी के बीज बहुत बारीक रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो बहुत घने हो जाएंगे। ज़्यादा घने पौधे हैं जो अच्छी तरह से जो है ग्रोथ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आप देख सकते हैं इस तरह से बीजों को डाल लिया है, और धीरे धीरे से बीजों को हम डाल रहे हैं। आपको एक जगह पर इकट्ठा बीज नहीं डालना है, थोड़ा सा बिखेर के आपको बीज को डालना है। इस तरह से बीज डालने के बाद हम जो हमारे हाथ में बीज बचा है उसको वापस हम पैक कर लिए हैं, तो आपको नज़दीक करके हम दिखाएंगे कि हमने कैसे बीज डाला है, कितना बीज डाला है। तो आप देख सकते हैं इस मात्रा में आपको जो है बीज ये डाल लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ इतना ही बीज 100 से 150 जो बीज है हमने इसके अंदर डाला है, और अब हम इसके ऊपर जो बालू रेत है वो इसके ऊपर छिटक देंगे। बालू रेत आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप बाज़ार में मिलने वाला कंस्ट्रक्शन रेत है उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो एक पतली लेयर है वो हम बालू रेत की डालेंगे। बालू रेत की लेयर डालने के बाद हम इसको किसी फवारा की सहायता से इसके ऊपर जो पानी का छिड़काव है वो करेंगे। इस पर आपको सीधा पानी नहीं डालना है, अगर सीधा पानी आप डालेंगे तो आपके बीज हैं जो तैरने लगेंगे और आधा बीज आपका बेकार हो जाएगा, व्यर्थ जाएगा। इसलिए आपको सीधा पानी नहीं डालना है, आपको जो किसी झाड़ी वगैरह से पानी डालना है या फिर आपको जो मार्केट से फवारा मिलता है उसी से आपको पानी इसके ऊपर छिड़कना है, या आप हाथ से भी इसमें धीरे धीरे से पानी छिड़क सकते हैं ताकि बीज आपका उठे नहीं। ज़्यादा भर के पानी नहीं देना है, भर के पानी देंगे तो बीज ऊपर तैरने लगेगा और बीज जो है आपको आधा बीज ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने की वजह से बीज है जो आपका आधा बीज ग्रो होगा और आधा नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स, हमने देखो अभी इस तरह से इसके ऊपर जो रेता है जिसे हम बालू कहते हैं या नदी का रेत कहते हैं वो भी हमने उसके ऊपर डाल लिया है, और हम आपको अभी बताएँगे भी इसमें पानी कैसे डालना है। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको फौरा से इसके ऊपर पानी है जो आप डाल सकते हैं। इस तरह से ऊपर इतना पानी डालें ताकि जो बीज है वो ऊपर का रेत है वो गीला हो जाए। तो हमने इसके ऊपर पानी है जो पर्याप्त मात्रा में जो पानी है वो डाल देना है। डालने के बाद हमको एक पॉलीथीन का जो बैग है वो लेना है जिसमें हम भाई मार्केट से सब्जी वगैरह कुछ लाते हैं। तो अगर आपके पास पॉलीथीन की नहीं है तो आप किसी पॉलीथीन के जो पन्नी है उसका भी यूज कर सकते हैं, पन्नी को आप ऊपर से बांध दीजिए
तो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से आपको इसे कवर करना है। कवर करने के बाद आपको इसको सेमी शेड एरिया के अंदर रख देना है, डायरेक्ट धूप के अंदर नहीं रखना है, जहाँ पे आधी धूप और आधी छांव आती हो वहाँ पे आपको रख देना है। तो इस तरह से फ्रेंड इतना पानी है जो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, इतना पानी आपको डालना है। और अभी हम आपको इसको कवर करके दिखाएंगे। ये देखिए हमारे पास एक पॉलीथीन बैग है जिसकी मदद से हम इसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद हम इसको रख देंगे सेमी शेड एरिया के अंदर। और जब बीज ग्रो हो तब तक करिए वेट और बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट देखने के लिए। धन्यवाद।